सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले एक स्पेशल वीडियो पर रिएक्ट, जिसका नाम है वाइज इंडिया ग्रेट। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलो भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आखिर ये देश महान क्यों है? Why? Why is India great? Because India has the world's second largest population, 1.3 billion. But poverty is a significant issue of this country. Yeah, hamara system, political issues, nepotism, women empowerment, lack of education, demonetization. Right? No. Nahi. Yahan toothpaste mein namak ho na ho, lekin har ek Bharati ke khoon mein desh ka namak zarur hota hai. Kapde aur kar to baat ki baatein hain. यहाँ सोच ब्रांडेड होती है। नल में पानी भले थोड़ा लेट आए, लेकिन चांद में पानी सबसे पहले हमारे चंद्रयान 1 सैटेलाइट ने ही डिटेक्ट किया था। एंड इसरो सक्सेसफुली लॉन्च्ड 104 सैटेलाइट्स। इट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च्ड ऑन अ सिंगल फ्लाइट बाय एनी स्पेस एजेंसी इन द वर्ल्ड। और इंडिया में खेल सिर्फ खेल नहीं होता, रिलीजन होता है, जुनून होता है, पागलपन होता है। खेलों के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तो यहाँ है ही, और इन खेलों के मेजर और भगवान भी यही हैं। साथ ही कबड्डी, स्नूकर, शतरंज, लूडो और सांप सीढ़ी जैसे खेलों का जन्म भी भारत में हुआ है। भारत को अगर पर्व और त्योहारों का देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जितने फेस्टिवल यहाँ मनाए जाते हैं शायद ही किसी और देश में मनाए जाते हों। अनेकता में एकता इससे अच्छे कि हमारे इंडिया में जितने फेस्टिवल्स होते हैं ना, पूरी दुनिया में कहीं भी इतने फेस्टिवल्स नहीं होते, तो ये बहुत अच्छी बात है यार। की झलक दिखाते ये त्योहार देश की संस्कृति की महानता को उजागर करते हैं। और इंडिया वालों की बातों में जो बात है उसे आप बातों बातों में समझने की कोशिश करना, और अगर कोई बात समझ में ना आए देन दैट्स योर फॉल्ट। क्योंकि भाषाओं के मामले में भारत विश्व का सबसे समृद्धशाली देश है। यहाँ 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ 1600 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। और तो और, इंडिया वर्ल्ड का दूसरा सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाला देश है। कुछ भाषाएं बड़ी तीखी है तो कुछ बड़ी मीठी। वैसे मीठी से याद आया कि शुगर वॉज फर्स्ट कंज्यूम्ड इन इंडिया, और 2013 के बाद से इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन चुका है। ये तो थी शक्कर और दूध की बात, और इन दोनों के बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बी फॉर बर्थ और डी फॉर डेथ के बीच में यहाँ सी फॉर चाय होता है। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वेजिटेरियंस भी इंडिया में है। इंडियन क्यूजींस और यहाँ के मसालों की वाइड वैरायटी ने दुनिया को चटपटेपन का जायका दिया है, क्योंकि यहाँ पर बर्गर एक डिश है लेकिन वड़ा पाव एक इमोशन। और भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इंडियन रेलवे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, जिसने 1.3 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। भारत आज चांद तक पहुँच गया, लेकिन कुछ भारतीयों को शौचालयों तक पहुँचाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये नामुमकिन नहीं है, बिकॉज इंडिया हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन। कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मार्शल आर्ट, योग, ये सब हमारी सभ्यता की देन है। जीरो से लेकर यूएसबी को बनाने वाला भी एक भारतीय ही था। टॉयलेट फ्लश की टेक्निक और शैंपू से लेकर कार्बन पिगमेंट से बनी पेन की इंक, सी शेल से बनी शर्ट की बटन, ये सब कुछ उस देश की देन है। जहां आहार में तो कमी हो सकती है लेकिन संस्कारों में कमी नहीं होती। जहां 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं, जो किसी भी दूसरी मुस्लिम कंट्रीज तो क्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। जहाँ एक चाय बेचने वाला इंसान अपनी मेहनत, अपनी सोच, अपनी काबिलियत से देश की सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। जहाँ देश को देश नहीं माँ, भारत माता समझा जाता है। ऐसे अखंड भारत का नागरिक होने पर हमें गर्व होना चाहिए, और यही वो चीज है जो भारत को एक महान देश बनाती है। दैट्स व्हाई इंडिया इज ग्रेट नेशन। और अगर आपका दिल भी इन बातों से जोरों से धड़कने लगा है तो इसे अपने साथियों से जरूर शेयर करें। वंदे मातरम। तो यार बहुत ही बढ़िया वीडियो थी यार, और आप सबको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। ये बेसिकली इंडिया का पास्ट और जो भी इंडिया में जो भी चीज़ें हैं सब कुछ इसमें कवर किया गया है, और बहुत ही मज़ेदार है। और मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, जय हिंद, जय भारत। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।